फिर आप सबका स्वागत है TNN न्यूज़ स्टूडियो में और मैं आपके साथ हूँ बीना खेमानी। हर इंसान ज़िंदगी में ये दो उम्मीदें तो रखता ही है कि वो खूब जिए, लंबा जिए, स्वस्थ जिए। साथ ही हम अक्सर अपने आँखों की बात करते हैं, दिल की बात करते हैं, पर कभी कभार हमें अपनी हड्डियों और जॉइंट्स की भी बात कर लेनी चाहिए। जब तक हमारी हड्डियाँ या जॉइंट्स ख़राब नहीं हो जाते तब तक हम इनकी बात नहीं करते हैं। आज हम विस्तार से जानेंगे हमारे हड्डियों के बारे में, जॉइंट्स के बारे में, कि परेशानी आने से पहले या परेशानी के बाद उसका उपचार कैसे किया जाए। आज हमारे साथ TNN न्यूज़ स्टूडियो में मौजूद हैं वडोदरा शहर के जाने माने मोस्ट एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर हेमंत माथुर, हेड ऑफ ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट SSG हॉस्पिटल बड़ौदा। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है TNN स्टूडियो में। जी, सभी दर्शक मित्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने आपका इतना बिजी शेड्यूल में आपने थोड़ा सा टाइम निकाल कर हमारे दर्शकों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप शेयर करने वाले हैं। जी, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि ऑर्थोपेडिक क्या है इन सिंपल टर्म्स? इन सिंपल टर्म्स ऑर्थोपेडिक जो हड्डियाँ हैं और जॉइंट्स है उसकी स्टडी है। कौन कौन से ऐसी ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स होती हैं जिनसे लोग जूझ रहे हैं? ऑर्थोपेडिक्स एक ऐसी, आई टेल यू, कि एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि जिसमें ओल्ड एज के मरीज ज़्यादा जूझते हैं। जैसे सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है आर्थराइटिस की जी, फिर लो बैक पेन की प्रॉब्लम होती है, फिर सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस की प्रॉब्लम होती है जी। फिर जैसे सिंपल टर्म्स में तो आप भी जानेंगे जैसे फ्रोजन शोल्डर, कि शोल्डर का उठना बंद हो जाता जी। है, ये कॉमन प्रॉब्लम्स है जिससे आम मरीज जूझ रहे हैं। और अगर आप यंगस्टर्स का देखें तो आजकल स्पोर्ट्स इंजरीज काफ़ी कॉमन हो गई है। और ऑर्थोपेडिक्स का ऐसा है कि अभी आजकल लोगों में मेडिकल अवेयरनेस इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि नाउ दे वांट टू नो मोर एंड मोर अबाउट ऑर्थोपेडिक्स। हड्डियों और जॉइंट्स में क्या डिफरेंस है? और जब हम जॉइंट्स की बात करते हैं तो उसको हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी होता है, पर अमूमन हम क्या करते हैं कि जब तक ये दिक्कत नहीं आती है तब तक हम इसे इग्नोर ही करते हैं। तो कितना ज़रूरी है जॉइंट्स को लेकर हमें एक डॉक्टर के पास विज़िट करना? और दूसरा, काफ़ी ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं कि अगर कोई दिक्कत होती है जॉइंट्स की तो हम घरेलू उपचार करके छोड़ देते हैं। अभी भी आप अगर शहर क्षेत्र को छोड़ के अगर आप गांव की बात करें तो जैसे घुटने में दुख रहा है तो कोई ना कोई वैद्य होगा वहाँ पे, वो कोई लेप दे देगा लगाने के लिए। फिर कई लोगों में ऐसा होता है कि कोई तेल की मालिश करें, जैसे सरसों के तेल की मालिश कर ली, नारियल के तेल की मालिश कर ली, और फिर खुद ही उपचार कर लेते हैं जैसे पैरासीटामोल जैसे सिंपल टैबलेट्स खा के। बट अभी नाउ इट इज़ टाइम कि मतलब जैसे ही कोई भी जॉइंट में प्रॉब्लम हो तो यू शुड टेक इट सीरियसली, क्योंकि आपके जॉइंट्स हेल्दी रहेंगे तो ही आप अपनी रूटीन डे टू डे एक्टिविटीज़ कर सकेंगे। जैसे नॉर्मल चलना फिरना है, आगे झुकना है, बराबर पीछे घूमना है, बराबर हाथों से सब कुछ करना है, कोई वेट उठाना है। तो जब तक आपके जॉइंट्स नॉर्मल और मोबाइल नहीं रहेंगे तब तक आप ये डे टू डे एक्टिविटीज़ में आपको दिक्कत आ सकती है। हमें पता है कि आज की लाइफस्टाइल बहुत हेक्टिक हो गई है, लोगों को खाने तक का समय नहीं होता, तो आज की लाइफस्टाइल को लेकर ऐसे कौन से जॉइंट्स हैं जो बहुत अफेक्ट हो रहे हैं? साथ ही एज के हिसाब से तो हमें बीमारी आने ही वाली है, तो एज फैक्टर्स और जॉइंट के बारे में बताइए आप। जैसे यंग पेशेंट, यंग जो जनरेशन है उसमें इतना ज़्यादा जॉइंट्स का प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा आप जो कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में हैं जैसे हॉकी है, फुटबॉल है, बैडमिंटन है, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स है, उसमें जॉइंट इंजरी होने के ज़्यादा चांसेस है जी। पर भारत देश में ओल्ड एज के साथ सबसे ज़्यादा दिक्कत नी जॉइंट के साथ आती है, क्योंकि ये जो अपनी जो स्टार्टिंग से शैली है कि जैसे ज़मीन पर आलती पालती मार के बैठने की, इंडियन स्टाइल टॉयलेट जो यूज़ करने की जो प्रथा जो अभी धीरे धीरे लुप्त हो रही है जी। जिसमें उकड़ू बैठना पड़ता है, ज़मीन पे बैठने में और उकड़ू बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उस पोजीशन से जब आप खड़े होते हैं तो एक्सेसिव लोड नी जॉइंट पे आता है और एंकल जॉइंट पे आता है, तो वहाँ से मतलब जोड़ों की संख्या जी, चालू होती है। जॉइंट्स इतने क्यों खराब हो रहे हैं
और यंगस्टर्स में भी आज हम देख रहे हैं कि बड़े एज ग्रुप में तो एज के फैक्टर्स के साथ में तो ये चीज़ आनी है, पर यंगस्टर्स में बहुत ज़्यादा ये दिक्कत फेस हो रही है। में मोस्टली स्पोर्ट्स इंजरीज के कारण ही है, बाकी यंगस्टर्स में जॉइंट्स का इतना प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, क्योंकि आजकल खाने पीने के मामले में अभी सब गूगल करके देख लेते हैं जॉइंट्स के लिए क्या अच्छा है, हड्डियों के लिए क्या अच्छा है, कैल्शियम हड्डियों में मेंटेन करने के लिए क्या करना चाहिए, विटामिन डी जैसे है, विटामिन डी का पर्याप्त मात्रा में होना शरीर में बहुत जरूरी है, क्योंकि विटामिन डी नॉर्मल होगा तो ही कैल्शियम और फास्फोरस वो अब्सॉर्ब होंगे बॉडी में, तभी जाके हड्डियां मजबूत बनेगी। अब जैसे विटामिन डी की डेफिशिएंसी भारत में बहुत कॉमनली पाई जाती है, क्योंकि मेजॉरिटी एज ग्रुप अभी भी वेजिटेरियन में है। विटामिन डी के मेन सोर्सेज हैं नॉन वेज, जैसे सालमन फिश है, कॉड लिवर ऑयल है, एग योक है, पर अगर आप वेजिटेरियन में देखें तो मशरूम है, फिर फोर्टिफाइड सीरियल्स है, फोर्टिफाइड डेयरी प्रोडक्ट्स है, यही कॉमन है। और लेकिन विटामिन डी का सबसे कॉमन और सबसे नॉर्मल सोर्स है जो मिड डे की जो सनलाइट होती है उसमें आप 10 से 30 मिनट तक का आपके बॉडी को एक्सपोजर दें तो विटामिन डी का काफ़ी अच्छा इंटेक होता है। और अगर आपका चमड़ी का रंग थोड़ा सांवला है तो द एक्सपोजर हैज़ टू बी इंक्रीज मोर, तो विटामिन डी का नॉर्मल होना शरीर में बहुत ही आवश्यक है, तो ही कैल्शियम और फास्फोरस अच्छी मात्रा में अब्सॉर्ब होंगे और आपकी हड्डियां मजबूत रहेंगी। जी, विटामिन डी की आप बात कर रहे हैं तो विटामिन डी सप्लीमेंट्स भी काफ़ी से सजेस्ट करते हैं डॉक्टर्स की लेना चाहिए, तो कौन से एज ग्रुप में लेना चाहिए और कब लेना चाहिए हमें? जी, विटामिन डी का यूजुअली यंगस्टर्स में अगर आपकी डाइट नॉर्मल है तो यंगस्टर्स में ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर जैसे फीमेल्स में मेनोपॉज के बाद जैसे आप जिसमें कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है, और इवन मेल्स में आफ्टर द एज आफ्टर मिड एज लाइक आफ्टर 50 इयर्स एक बार ब्लड लेवल चेक करवा लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें कई बार फिजिशियंस हैं जो दूसरे डॉक्टर्स हैं ऐसे जस्ट ऐसे कि अच्छा आप वेजिटेरियन है आप ये विटामिन डी की गोली हफ्ते में एक बार खाना चालू कीजिए, पर मेरे हिसाब से एक बार ब्लड लेवल चेक करवा लेना बहुत ज़रूरी है। विटामिन जैसे विटामिन B12 है, विटामिन D3 है, फिर सीरम कैल्शियम लेवल है, क्योंकि विटामिन डी का लेवल अगर 10 से कम है आपका तो पहले आपको एक लोडिंग डोज इंजेक्शन का लेना ही पड़ेगा, और अगर 15 से 20 के आसपास है तो फिर आप हफ्ते में एक बार कुछ भी सॉल्यूशन है, टैबलेट है, विटामिन डी की स्ट्रिप्स आती है वो सब ले सकते हैं, पर विटामिन डी का नॉर्मल रहना बहुत अत्यंत आवश्यक इम्पोर्टेंट है विटामिन डी। सर, जॉइंट रिप्लेसमेंट की बात करते हैं तो कौन कौन से टाइप्स के जॉइंट रिप्लेसमेंट होते हैं और कौन कौन से जॉइंट रिप्लेस हो सकते हैं और ऐसी कौन सी कंडीशन हो जाती है कि हमको जॉइंट रिप्लेसमेंट की नौबत तक आ जाती है? सबसे कॉमन जॉइंट्स रिप्लेस होते हैं नी जॉइंट और हिप जॉइंट, उसके बाद आता है शोल्डर जॉइंट का नंबर। शोल्डर जॉइंट का कंसेप्ट अभी लेटेस्ट ही है, पहले ऐसे शोल्डर जॉइंट का रिप्लेसमेंट इतना कॉमन नहीं हुआ करता था, और उसके बाद आता है फिर एल्बो जॉइंट का नंबर विच इज़ वेरी रेयर। अब उसमें ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि जैसे कोई पेशेंट नी आर्थराइटिस के साथ आपके पास आया तो तुरंत जॉइंट रिप्लेसमेंट कर ही देना है, वो आर्थराइटिस कौन से स्टेज पे है वो बहुत ज़रूरी है। जैसे अर्ली स्टेज में अगर नी आर्थराइटिस का पेशेंट आपके पास आता है तो यू कैन गो फॉर अ कॉम्बिनेशन थेरेपी, जिसमें अच्छी फिजियोथेरेपी जिसमें मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज होती है, फिर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जिसमें ज़मीन पे नहीं बैठना है, आलती पालती मार के नहीं बैठना है, उकड़ू नहीं बैठना है, जितना हो सके फॉर टाइम बीइंग सीढ़ियाँ कम चढ़नी उतरनी है और उसके बाद उसके साथ में देन यू गो फॉर माइल्ड जो मसल रिलैक्सेंट और पेन किलर होते हैं। फिर उम्र के साथ जो जॉइंट फ्लूइड जो लुब्रिकेटिंग फ्लूइड जो होता है नी जॉइंट में जो सूख जाता है जिसको हाइलुरोनिक एसिड बोलते हैं, कई बार लोग उसको स्टेरॉइड से कंफ्यूज कर लेते हैं, तो वो हाइलुरोनिक एसिड अब आर्टिफिशियल फॉर्म में भी अवेलेबल है, तो उसको भी नी जॉइंट में इंजेक्ट करके नी जॉइंट की मोबिलिटी बढ़ा सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर थोड़ा सीवियर होता है तो उसमें अलग अलग टाइप की सर्जरीज है, जैसे नी जॉइंट से पैर अगर थोड़ा टेढ़ा हो रहा है तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि उसको सीधा करके प्लेटिंग से फिक्स कर दें, फिर दूरबीन की सर्जरी है, दूरबीन की सर्जरी से नी जॉइंट में अंदर जितना थोड़ा डैमेज है उसको थोड़ा साफ सफाई कर सकते हैं। लास्ट स्टेज जिसमें पूरी गद्दी घस गई होती है, पैर टेढ़ा होने लगता है, दैट इज़ द स्टेज व्हेन वी गो फॉर नी रिप्लेसमेंट,
अगर आप हिप की बात करें तो उसमें कॉमन इंडिकेशंस है जैसे बॉल का फ्रैक्चर, वो भी मतलब बहुत ज़्यादा कॉमन है, वो भी 50 साल की उम्र के बाद, ठीक है। सेकंड रीज़न है अल्कोहल इंटेक से भी मतलब बॉल पूरा ख़राब हो सकता है। फिर तीसरा है कि वी आर केटरिंग टू ट्राइबल एरिया, तो इसमें सिकल सेल डिजीज बहुत कॉमन है, तो उसके कारण भी बॉल पूरा खराब हो सकता है। ये सिकल सेल डिजीज क्या है? सिकल सेल डिजीज एक ट्राइबल एरिया में पाने वाली, एक बहुत कम एरियाज में है इंडिया में, तो उसमें वो हीमोग्लोबिन एक अलग टाइप का होता है और उससे बॉल पूरा खराब हो जाता है। तो ये कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें एक बार बॉल खराब हो जाए उसको एवास्कुलर नेक्रोसिस बोलते हैं, जिसमें ब्लड सप्लाई पूरी खत्म हो जाती है, तो उसमें पेशेंट ऑलमोस्ट मॉर्बिड हो जाता है। मतलब अगर ग्रेड 4 में है तो मॉर्बिड मतलब ऑलमोस्ट बेड रिडन, तो उस स्टेज में फिर हिप रिप्लेसमेंट करना ही पड़ता है। सो सबसे कॉमन हिप रिप्लेसमेंट और नी रिप्लेसमेंट। एक आम इंसान हमेशा ये चाहेगा कि वो हमेशा स्वस्थ रहे और उसे दवाइयों से काम चल जाए, दवाइयों से वो स्वस्थ हो जाए, क्योंकि सर्जरी की जब बात आती है तो बहुत महंगा, ऐसा लोगों के दिमाग में होता है कि बहुत महंगी चीज़ है ये, तो लोग अवॉइड करते हैं। जहाँ तक आप SSG हॉस्पिटल के हेड ऑफ ऑर्थोपेडिक हैं, तो मुझे ये बताइए कि जब कोई पेशेंट आता है आपके यहाँ पर जॉइंट रिप्लेसमेंट को लेकर, तो क्या फैसिलिटीज़ है यहाँ पर, क्या कॉस्ट रहता है? इसमें मैं डिटेल में आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। जी, मैं 2018 में गवर्नमेंट ऑफ गुजरात में अपने ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर थे उस वक्त नितिन भाई, उन्होंने माँ कार्ड की योजना स्टार्ट करी थी, जिसमें गवर्नमेंट वॉज गिविंग एड ऑफ 40,000 हिप रिप्लेसमेंट और नी रिप्लेसमेंट के लिए, और बाकी का खर्चा रोगी कल्याण समिति में से होता था। फिर ग्रेजुअली अब ये कन्वर्ट हो गया है PMJY कार्ड में, जिसमें गवर्नमेंट प्राइमरी रिप्लेसमेंट, हिप और नी रिप्लेसमेंट का पूरा खर्चा उठाती है, तो उसमें पेशेंट को एक भी पैसा देना नहीं पड़ता। दूसरी चीज़ ये। तीसरी चीज़, अगर आपके पास बिलो पावर्टी लाइन का कार्ड है तो एवरीथिंग इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। चौथी चीज, अगर आप सीनियर सिटीजन हैं 70 ईयर्स एंड अबव, तो भी इट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, पेशेंट कहीं बाहर से आता है, उसको अर्जेंट सर्जरी की ज़रूरत है, और अगर उसके पास ये कोई भी कार्ड नहीं है, तो हमारे जो मेडिकल सुपरिंटेंडेंट है उनकी सत्ता में है, तो वो रोगी कल्याण समिति में से इसका पूरा खर्चा दे सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई वुड लाइक टू मेंशन कि हमारे यहाँ कई संस्थाएं हैं, जैसे हरिओम सेवा ट्रस्ट, वो बहुत ही एक बड़ी संस्था है, तो वो कई बार पूरा खर्चा उठा लेते हैं पेशेंट का। तो मतलब अगर आपके पास ये फैसिलिटीज़ है और अगर आपके पास कोई कार्ड नहीं भी है, तो भी आपको SSG हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। दूसरी चीज, मैं थोड़ा अपने ऑपरेशन थिएटर के बारे में बताना चाहूँगा कि इट इज़ अ स्टेट ऑफ आर्ट ऑर्थोपेडिक ऑपरेशन थिएटर, जिसमें हम 4 थिएटर्स एक साथ चलाते हैं, जिसमें एक थिएटर डेडिकेटेड है जॉइंट रिप्लेसमेंट को, एक थिएटर डेडिकेटेड है स्पाइन सर्जरीज को, और 2 थिएटर्स डेडिकेटेड हैं फ्रैक्चर सर्जरीज के लिए, और प्लस हमारे पास इन बिल्ट ऑर्थोपेडिक ऑपरेशन थिएटर के अंदर इंस्टॉल्ड डिजिटल एक्सरे सिस्टम है। तो सपोज़ एक रूम में ऑपरेशन हुआ, तो पेशेंट उसके बाद सर्जरी ख़त्म हो जाए, उसके बाद दूसरे रूम में शिफ्ट होता है और डिजिटल एक्सरे विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट वो करवा के बाहर निकलता है। रिसेंटली हमारे सुपरिंटेंडेंट साहब ने मतलब बहुत मेहनत से एक 35 बेडेड सर्जिकल ICU बनाया है, जो हमारा ऑर्थोपेडिक ऑपरेशन थिएटर फर्स्ट फ्लोर पर है, तो वो सर्जिकल ICU नीचे हार्डली इट इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 meters, जहाँ पे क्वालिफाइड एनेस्थेटिस्ट राउंड द क्लॉक अवेलेबल रहता है। और प्लस वी हैव गॉट फुल्ली इक्विप्ड मेडिकल ICU, तो मतलब कुछ भी पेशेंट को इंट्रा ऑप या पोस्ट ऑप मॉनिटरिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो ये सब फैसिलिटीज़ तुरंत अवेलेबल है। ये सब फैसिलिटीज़ कई बार प्राइवेट सेटअप में हर कोई इतना मतलब फैसिलिटीज़ इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो मतलब हमारे सुपरिंटेंडेंट साहब की हेल्प से, और एवरीथिंग इज़ इन द हैंड्स ऑफ, वॉट एवर इज़ बींग अलॉटेड टू अस इट इज़ इन द हैंड्स ऑफ मेडिकल सुपरिंटेंडेंट। तो हमारे करंट मेडिकल सुपरिंटेंडेंट जो हैं प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ENT डॉक्टर रंजन अय्यर, और इसके पहले जो मेरे ही बॉस थे प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर दवेश्वर, उनकी सहायता से हमने काफ़ी प्रोग्रेस किया है। और अब मतलब मैं खाली लोगों से एक ही अपील करना चाहूँगा कि वो ये ना समझे कि वो कोई सरकारी अस्पताल या सिविल अस्पताल में जा रहे हैं। लोगों के मन में यही होता है कि भाई सरकारी अस्पताल दे आर कमिंग टू एन इंस्टीट्यूट विच इज़ एज गुड एज अ कॉरपोरेट सेटअप।
मतलब अच्छी देखभाल होगी, अच्छी देखभाल होगी। और ये मैं खाली ऑर्थोपेडिक्स नहीं, आप ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी विभाग देखिए, रुक्मिणी चेन्नानी सेंटर है, पीडियाट्रिक्स का डिपार्टमेंट है जहाँ पे पीडियाट्रिक नियोनेटल नया ICU बना है, रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट है जहाँ पे 18 करोड़ की नई लिनैक मशीन आई है, फिर ENT का भी आप देख लीजिए, जो 6 साल से कम उम्र वाले बच्चे हैं उनके लिए कॉकलियर इम्प्लांट्स का स्कीम चालू किया है विच इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, वो 3.5 लाख से चालू होता है उसका रेंज। तो मतलब अभी SSG वो SSG नहीं है जो लोगों के दिमाग में जो था कि नहीं ये तो सरकारी हॉस्पिटल है और यहाँ पे खाली गंदगी होगी, और एंड प्लस जब मैंने ऑर्थोपेडिक्स ज्वाइन किया था तब हमारे डिपार्टमेंट में खाली 20 लोग थे इंक्लूडिंग कंसल्टेंट्स असिस्टेंट प्रोफेसर एंड जूनियर्स। अभी आई एम लकी कि मेरे अंडर में 57 कंसल्टेंट्स असिस्टेंट प्रोफेसर्स एसोसिएट प्रोफेसर्स सीनियर रेसिडेंट्स एंड द रेसिडेंट्स हु आर डूइंग पोस्ट ग्रेजुएशन। तो पोस्ट ऑपरेटिव केयर पेशेंट्स को बहुत ही उम्दा मिलेगी, ये हमारी गारंटी है। मतलब SSG हॉस्पिटल अब बहुत ज़्यादा आगे स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी के साथ में डेवलप हो चुका है। मरीजों को घबराने की जरूरत नहीं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, चाहे वो यहाँ शहर का हो चाहे वो बाहर से आ रहा हो। और एक प्रिंसिपल है हमारा, मतलब कभी फ़ोन की अननोन नंबर है ये उठाना नहीं है वो उठाना नहीं है, हमारे जैसे सुप्रीम साहब को ही देखे ही विल पिकअप एवरी अननोन नंबर, और कहीं से भी कंप्लेंट आती है कि सर यहाँ पे हमारी ट्रीटमेंट बराबर नहीं हो रही है तो ही इमीडिएटली लुक्स इनटू इट एंड ही टेक्स अप्रोप्रिएट एक्शन। एक कॉमन इंसान अगर बाहर से आ रहा है या वडोदरा शहर का ही, SSG हॉस्पिटल बहुत बड़ा है, अपनी दिक्कत को लेकर वो अगर ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट की बात करें तो किस व्यक्ति से वो कांटेक्ट कर सकता है? देखिए जो तात्कालिक सर्वार विभाग है उसमें सब डिपार्टमेंट्स राउंड द क्लॉक फंक्शनली रहते हैं, जिसमें सीनियर थर्ड ईयर रेसिडेंट्स होते हैं, और अगर स्पेसिफिक जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए आना है तो ट्यूसडे एंड फ्राइडे वो सीधा मेरी OPD में आके मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। और ऐसा कुछ है नहीं कि ये पहचान वाला है इसलिए हम इसी को देखेंगे, मतलब एवरीबडी एंड एनीबडी इज़ वेलकम। बट मेरी आपके चैनल के माध्यम से लोगों से यही गुजारिश है कि वो पुराना अपने दिमाग से निकाल दीजिए और आप ऐसा ही सोचिए कि आप एक कॉरपोरेट इंस्टीट्यूट में आ रहे हैं जहाँ पे आपको बहुत ही बेहतरीन सर्विस मिलेगी, स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज़, और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स तो हमारे OT में ऐसे हैं जो शायद ही बड़ौदा में कहीं होंगे। जी मतलब पैसों को लेकर भी, पैसों को लेकर बिल्कुल चिंता, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, गाइडेंस, क्योंकि अगर पेशेंट के पास कुछ भी नहीं है, कोई भी कार्ड नहीं है, तो भी हमारे मेडिकल सुपरिंटेंडेंट के पास पूरी सत्ता है कि रोगी कोई ना कोई रास्ता निकल जाए। जॉइंट रिप्लेसमेंट की बात अगर हम करते हैं, अगर किसी का जॉइंट रिप्लेस हो गया है तो आफ्टर सर्जरी क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है हर लोगों का। आई नो, जैसे नी रिप्लेसमेंट हुआ है, जैसे आज मॉर्निंग में मैंने नी रिप्लेसमेंट किया है, तो शाम को पेशेंट को खड़ा कर देंगे और दूसरे दिन से पेशेंट चलते हो जाएगा। दूसरा हमारा एडवांटेज क्या है कि देर इज़ अ इन हाउस कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी, तो पेशेंट जितने दिन रहेगा उतने दिन फिजियोथेरेपिस्ट की टीम खुद आके, मतलब बेड साइड पेशेंट को फिजियोथेरेपी कराने आएगी, और नी रिप्लेसमेंट के बाद पेशेंट दूसरे दिन से चल सकता है। हिप रिप्लेसमेंट के बाद भी पेशेंट दूसरे दिन से चल सकता है, पर थोड़ा उसमें हिप रिप्लेसमेंट में 2 से 3 महीने तक पेशेंट को कुछ पैर की पोजीशंस अवॉइड करनी पड़ती है, पर वो तो पूरी तरह वो हमारा स्टाफ ट्रेंड होता है तो द पेशेंट्स आर फुल्ली टॉट। हिप रिप्लेसमेंट के पेशेंट इजीली कन्विंस हो जाते हैं क्योंकि वो ऑलमोस्ट बेड रिडन होते हैं। जैसे आपको बॉल का फ्रैक्चर हुआ है और आपका बॉल डिस्ट्रॉय हो गया है तो आप मतलब आप हिप जॉइंट से पैर भी हिला नहीं सकते हो, तो पेशेंट आर इमीडिएटली रेडी। पर कई बार वो नी रिप्लेसमेंट वाले पेशेंट जो सीवियर आर्थराइटिस के साथ आते हैं तो वो फिर वो घर वाले कन्विंस करके लाते हैं, पर उनका एक डिक्टम है जब तक पेशेंट खुद रेडी नहीं हो तब तक हम ऑपरेट नहीं करते। जी जी, तो जॉइंट्स अगर ख़राब हो जाते हैं तो सर्जरी एकमात्र इलाज है इसका, क्योंकि लोग क्या है बहुत डरते हैं कि अगर सर्जरी हो गई तो हम क्या इसके बाद नॉर्मल लाइफ जी पाएंगे। नहीं, नॉर्मल लाइफ जी पाएंगे बट वो उकड़ू नहीं बैठ पाएंगे, एंड हम उनको एडवाइस करते हैं कि आप आलती पालती मार के बैठने की ट्राई ना कीजिए, क्योंकि देखिए आपका नॉर्मल जॉइंट तो ख़राब हुआ तब जाके हमने आर्टिफिशियल जॉइंट डाला है, तो आर्टिफिशियल जॉइंट का भी वेयर एंड टेयर तो होना ही है। जी। बराबर, भले ही उसमें टाइटेनियम या कोबाल्ट क्रोम अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज़ होता है, पर उसका भी वेयर एंड टेयर तो होना ही है। तो मतलब ऐसी कोई भी एक्टिविटी हम अवॉइड करने के लिए बोलते हैं जिससे आर्टिफिशियल जॉइंट का भी वेयर एंड टेयर हो। मतलब सर्जरी सेफ है, बस खाली क्या है कि सर्जरी सेफ,
आप खाली प्रिकॉशंस लेकर आप आपकी नॉर्मल लाइफ दोबारा या बिल्कुल रूटीन बिल्कुल बिल्कुल मतलब आप कई पेशेंट्स को जैसे दोनों साइड का किया हुआ है हिप सपोज दोनों हिप रिप्लेस किए हुए हैं या दोनों नी रिप्लेस किए हुए हैं कई बार पेशेंट जा रहा हो आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि ये पेशेंट ने दोनों जॉइंट्स रिप्लेस करवाए हैं घबराने की जरूरत नहीं घबराने की जरूरत नहीं है इन एक्सपीरियंस हैंड्स इट इज गुड जॉइंट पेन हो रहा है हमें कमर दर्द हो रहा है हमारा एल्बो दुख रहा है शोल्डर पेन हो रहा है बैक पेन कॉमन हो चुका है नी पेन हो रहा है तो हम क्या करते हैं अवॉइड करते हैं हम पेन किलर्स लेकर हम चलाते हैं जब तक चलता जाए और उसके बाद फिर स्टीरॉइड्स भी होते हैं स्टीरॉइड्स के यूज़ के बारे में बताइए और पेन किलर्स के बारे में बताइए कि दोनों हमारी हड्डियों को ख़राब करते हैं क्या करते हैं नहीं पेन किलर्स ऐसा था कि एक ज़माना था जब खाली आइबुप्रोफेन और डाइक्लोफेनिक सोडियम यूज़ की जाती थी पर उसका लंबे टाइम तक यूज़ करना थोड़ा लिवर किडनी और आंतड़ियों के लिए हानिकारक साबित हुआ तो उसके बाद अब जो लेटेस्ट जो पेन किलर्स है जैसे एसिक्लोफेनिक है इटोरिकॉक्सिब है नेप्रोक्सेन सोडियम है ये काफ़ी सेफ है तो ये आप लंबे टाइम तक यूज़ कर सकते हैं बट विद इन लिमिट्स बराबर मतलब ऐसा नहीं है कि आप डॉक्टर को बताए बगैर आप एक साल तक लेते रहें बट स्टेरॉइड के बहुत ही लिमिटेड इंडिकेशंस है और स्टेरॉइड ऑर्थोपेडिक्स में हम ज़्यादा लोकल इंजेक्शन के लिए यूज़ करते हैं और बाकी तो स्टेरॉइड के एकदम लिमिटेड इंडिकेशंस है या फिर कई कई जगह पे मसल रिलैक्सेशन चाहिए होता है जैसे आपको स्टिफ नेक हो गई है तो सपोज जैसे 3 दिन के लिए ओरल स्टेरॉइड दिया उससे ज़्यादा नहीं उससे ज़्यादा अगर देना है तो फिर स्टेरॉइड बंद इमिडिएटली आप नहीं कर सकते उसको ग्रेजुअली टेपर करके बंद करना पड़ता है मतलब जो भी आप ले रहे हैं या फिर आप बट स्टेरॉइड का इंजेक्शन हम घुटने में वी डोंट प्रिफर क्योंकि इमिडिएटली तो पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है बट लॉन्ग टर्म में वो घुटने की गद्दी को डैमेज करता है मतलब गाइडेंस के हिसाब से आपको पेन किलर्स और स्टेरॉइड्स का यूज़ करना चाहिए महिलाओं की बात करते हो उसमें ऑस्टियो आर्थराइटिस जो है ना वो काफ़ी देखने को मिल रहा है साथ में मेनोपॉज जब स्टार्ट होता है तो उसमें आशंका और बढ़ जाती है इसके बारे में आप क्या कहेंगे जी मेनोपॉज के बाद यूजुअली इंडियन फीमेल्स में इतना ज़्यादा मतलब वो सीरियसली नहीं लेते हैं आइडियली मेनोपॉज के बाद इमीडिएटली एक तो कैल्शियम स्टार्ट करना पड़ता है और उसके बाद आपको विटामिन डी लेवल्स चेक करने पड़ते हैं पर अपने इंडियन फीमेल्स में इतना ज़्यादा वो सीरियसली नहीं लेते हैं और मेनोपॉज के बाद ऑस्टियोआर्थराइटिस की आशंका इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि मेनोपॉज के बाद जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं जो ईस्ट्रोजिन लेवल अप एंड डाउन होता है उसके कारण गद्दी पे काफ़ी इफेक्ट होता है तो महिलाओं को थोड़ा मेनोपॉज के बाद दे शुड बी लिटिल बिट अलर्ट तो दे कैन गो आइदर टू अ गायनेकोलॉजिस्ट और ऑर्थोपेडिक सर्जन तो हम उस हिसाब से उनको हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी की ज़रूरत है कि नहीं उनको कैल्शियम की ज़रूरत है उनको विटामिन डी की ज़रूरत है तो नेसेसरी इन्वेस्टिगेशंस करा के देन वी कैन वो उसका थोड़ा अभी लिमिटेड थोड़ा इवन एजुकेटेड क्लास में भी मैं बोलूंगा कि सीरियसली नहीं लेते हैं अवेयरनेस है पर कम है पर सीरियसली भी नहीं लेते हैं लोग और ये जॉइंट की बात नहीं अमूमन हर बीमारी का ऐसे ही होता है कि हम जब तक खींचते हैं हम तब तक खींच लेते हैं और मेनोपॉज के बाद स्पेशली ईस्ट्रोजन लेवल्स में जो फ्लक्चुएशन आता है वो दैट प्रीडिस्पोजेस टू अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस और 50 साल की उम्र तक मेल्स और फीमेल्स में ऑस्टियोआर्थराइटिस होने का रेशो सेम रहता है 50 साल के बाद फीमेल्स में रेशो बढ़ जाता है मतलब अपने को इग्नोर नहीं करना चाहिए ऐसे सिम्टम्स जी जब सर्जरी की बात हम करते हैं जॉइंट्स को लेकर तो मरीज है चाहे उसका रिलेटिव है बहुत सारे डॉक्टर्स से हम कंसल्ट करते हैं कि कौन सा डॉक्टर सही है कहाँ से करवाना चाहिए कौन से हॉस्पिटल में जाना चाहिए इस चक्कर में बहुत सारे मरीज और डॉक्टर्स कन्फ्यूज़ हो जाते हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे एक्चुअल में एक तो ये गूगल का प्रताप है दूसरा आजू बाजू के जो नेबर्स होते हैं रिलेटिव्स वो खुद ही ऑर्थोपेडिक सर्जन्स बन जाते हैं ठीक है ना तो एक बार मेरा ऐसा मानना है कि एक बार आप एक ऑर्थोपेडिक सर्जन को फॉलो कर रहे हैं सी 100% ज़रूरी नहीं है कि उसने जो मेडिसिन लिखी है उससे आपको तुरंत फ़ायदा हो जाएगा तो पेशेंट क्या है फिर विंडो शॉपिंग स्टार्ट कर देते हैं कि इससे फ़ायदा नहीं हुआ चलो इस डॉक्टर के पास इससे फ़ायदा नहीं हुआ चलो इस डॉक्टर के पास कई बार पेशेंट हमारे पास 10-10 डॉक्टर्स की फाइल लेके आते हैं तो मैं उनको ऐसा बोलता हूँ कि 3 डॉक्टर बाकी हैं आपके 3 को भी बता के आइए तो आइडियली विंडो शॉपिंग डॉक्टर शॉपिंग अवॉइड करनी चाहिए आपको अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन में फुल फेथ होना चाहिए और मतलब थोड़ी कड़वी बात कहूँगा कि नेबर्स और रिलेटिव्स
खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं। हाँ, इनकी बातों को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। सीरियस मैटर है तो आप जितना हो सके आप डॉक्टर के पास ही जाइए। नहीं, अगर आपको ऐसा लगता है कि एक ऑर्थोपेडिक सर्जन आपको जॉइंट रिप्लेसमेंट की सलाह दे रहा है और आपको नहीं करवाना है तो आप एक डॉक्टर का सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं। सेकंड ओपिनियन वर्ड ही वहां से चालू हुआ है जी। पर यहां तो क्या मल्टीपल ओपिनियंस चलते हैं, मल्टीपल ओपिनियंस हो जाते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और लोग क्या है कि एक्चुअल में पैसा ज़्यादा खर्च हो जाता है इन सब चीज़ों में, तो क्या करते हैं मरीज वो डॉक्टर्स को कंसल्ट करते ही रहते हैं पैसा खर्चा करते रहते हैं उसमें। एग्जैक्ट सही, डॉक्टर के पास में आप जाते नहीं है, वो कई बार किस्मत का वो हो जाता है अभी जी। इसमें सही डॉक्टर की पहचान भी बहुत ज़रूरी है बीमारियों को लेकर। कोविड चल ही रहा है और बहुत ज़्यादा चल भी चुका है, इसमें वर्क फ्रॉम होम कल्चर का हमने बहुत चीज़ें देखी हैं, क्या अफेक्ट किया है इसने हमारे जॉइंट्स पर, हमारे हड्डियों पर? वर्क फ्रॉम होम में बेसिकली एक लिमिट के बाद एक तो लोग लैपटॉप पे आ गए, आईपैड्स पे आ गए, सब पे आ गए, उसके साथ वो आ गए अब नॉर्मल पोस्चरिंग पे कि वो बिस्तर पे उल्टे होके लैपटॉप ऑपरेट कर रहे हैं, फिर ऐसे आड़े होके कर रहे हैं, फिर सब खा रहे हैं, सबके वेट बढ़ रहे हैं जी। तो उसमें सबसे कॉमन चीज़ हमने देखी लो बैक एक वॉज वेरी कॉमन। और दूसरा क्या है कि एक तो आप काउच पोटैटो पोजीशन में जब बैठते हो तो उससे भी बैक एक को एक मतलब तरीका होता है वर्क फ्रॉम होम का भी। नहीं, एक बैठने की भी एक स्टाइल होती है, मतलब यू हैव टू सिट विद द प्रॉपर बैक सपोर्ट। कई बार क्या होता है लैपटॉप पे ऑपरेट कर रहे हैं एंड दे सिंक देयर स्टमक इन, दैट इज काउच पोटैटो पोजीशन, उससे भी लो बैक एक का काफी बढ़ता है। फिर अब नॉर्मल पोस्चर में तो फिर वो नेक पेन और खाने पीने का बढ़ गया, तो हर घर में मैंने एटलीस्ट एक दो ओबेसिटी तो देखी है। ओबेसिटी के बारे में जानना चाहूंगी, कितना आपके जॉइंट्स पर इफेक्ट कर रहा है ओबेसिटी? काफी करेगा, क्योंकि आपके सपोज नी जॉइंट है तो उसके ऊपर का पूरा जो वेट है वो जितना बढ़ेगा वो आपके नी जॉइंट ही लोड लेने वाला है और आपका एंकल जॉइंट लोड लेने वाला है, तो उसके कारण काफी फर्क पड़ा। आइडियल आपका वेट कितना होना चाहिए, मतलब आप अगर जॉइंट्स ज्यादा अफेक्ट हो रहे हैं तो क्या वेट आपका आइडियल होना चाहिए? आपकी वो तो हाइट के हिसाब से, हाइट वेट रेशियो होता है उसका, पूरा एक चार्ट है उसके हिसाब से होना चाहिए, पर वो डोंट फॉलो द ब्रिटिश चार्ट जो यूके के टाइम पे जो था, क्योंकि वो तो आप कभी रीच कर ही नहीं पाओगे। बट आइडियली यू शुड नॉट हैव अ पॉन्च एंड ऑल दैट जी, मतलब आपके शरीर का आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर इनबैलेंस्ड हो जाएगी, अनबैलेंस्ड हो जाएगी तो वो आपके बॉडी पर इफेक्ट करेगी। पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक जो है बच्चों को लेकर जब हम बात करते हैं तो SSG में क्या फैसिलिटी है इस चीज़ को लेकर? पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स इज़ अ वेरी अपकमिंग ब्रांच और उसमें दो टाइप का है, एक तो कोल्ड कंडीशंस होती है जो नॉन ट्रॉमेटिक होती है जी। और एक हॉट कंडीशंस होती है, हॉट मतलब जो फ्रैक्चर के साथ आते हैं। तो फ्रैक्चर यूजुअली सबसे कॉमन फ्रैक्चर ये रिस्ट के पास का फ्रैक्चर होता है, फिर ये एल्बो के ऊपर का फ्रैक्चर होता है, तो वो तो इमीडिएटली हम फिक्स कर ही देते हैं जी। फिर जो कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज जो आती है, जो मतलब बर्थ के साथ जो होती है, जैसे सबसे कॉमन क्लब फुट है जी। क्लब फुट आपने शायद नाम सुना होगा, क्लब फुट है, कंजेनाइटल वर्टिकल टैलस है, वो सब ट्रीट करने के हमारे यहाँ वी हैव गॉट गुड कंसल्टेंट्स। और क्लब फुट का तो हम वीक में 3 बार क्लिनिक भी चलाते हैं जी, तो दैट इज स्पेसिफिकली क्लब फुट क्लिनिक जी। टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो रही है और रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट भी काफ़ी अभी मार्केट में है या फिर हमें देखा जा रहा है, उसके बारे में बताइए कितना सेफ है ये? नहीं, रोबोटिक इज टोटली सेफ एंड इट इज बेसिकली उसमें प्रिसीजन लेवल काफ़ी ज़्यादा है जी, ठीक है ना। उसमें सर्जन का रोल तो खाली मार्किंग करने का होता है, बाकी कट्स तो रोबोट ही लेता है। बट आई थिंक कि सर्जन के लिए तो उसके फिंगर्स ही उसके भगवान है जी। बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने शेयर किया हमारे व्यूअर्स से, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप खास करके यंगस्टर्स को लेकर? यंगस्टर्स को लेकर बस यही कि सबसे पहले ओबेसिटी अवॉइड करनी है, टू मेंटेन प्रॉपर वेट और प्रॉपर फूड हैबिट्स, भले ही वो वेजिटेरियन हो नॉन वेजिटेरियन हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट वेट कंट्रोल पूरा एकदम। और चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि SSG को अब आप एक सरकारी अस्पताल ना समझिए और उसको एक कॉरपोरेट ब्रांड समझिए, और आप खुद आके देख सकते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो डेवलपमेंट हुए हैं जी।
और लास्ट में मैं मेरे मेडिकल सुपरिंटेंडेंट्स को थैंक्स बोलना चाहूँगा, क्योंकि उनके दोनों हाथ रहे हैं हमारे ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट के ऊपर, और आज तक ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि जो डिमांड की हो और हमारे सर ने सप्लाई नहीं की। एंड फाइनली आप PMJY कार्ड, BPL कार्ड, सीनियर सिटीजनशिप, और आपके पास कुछ भी नहीं हो तो भी आप आइए हमारे पास, एंड हम आपको निराश नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर्स। और मरीज़ जो है वो आज काफ़ी हद तक SSG को लेकर क्लियर भी हो गए होंगे। और मेन चीज़ क्या होती है, जब सर्जरी की बात आती है तो लोग खर्चे से बहुत डरते हैं, और इसकी वजह से वो अपनी चीज़ें, सीवियर चीज़ें भी अवॉइड करते हैं और चीज़ें और ख़राब हो जाती हैं। दूसरा मैं एक पॉइंट कहना भूल गया कि ये जो PMJY कार्ड में जो गवर्नमेंट ने प्राइमरी जो हिप एंड नी रिप्लेसमेंट का जो फैसिलिटी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की है, उसके साथों साथ अभी लेटेस्ट उन्होंने अपना रिवीजन सर्जरी के लिए भी 1,00,000 रुपया देना। रिवीजन सर्जरी के बारे में जानना चाहूंगा। हाँ, रिवीजन सर्जरी ऐसा है कि आज से 10-15 साल पहले जो प्राइमरी रिप्लेसमेंट हुए थे, अब कई बार सीमेंट लूजनिंग वगैरह, वो फाइनली इट हैज़ टू फेल समझे, बराबर। जब आपका नॉर्मल जॉइंट फेल हुआ है तो आर्टिफिशियल जॉइंट भी कभी ना कभी तो फेल होगा, तो उसके बाद जो सर्जरी करते हैं उसको रिवीजन सर्जरी बोलते हैं, जो कि टेक्निकली वेरी वन ऑफ द डिफ़िकल्ट सर्जरीज। और साउथ गुजरात और सेंट्रल गुजरात में मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ कि SSG हॉस्पिटल में हाईएस्ट नंबर ऑफ रिवीजन सर्जरीज हुई है, तो उसमें भी PMJY कार्ड में 1,00,000 रुपये का गवर्नमेंट ने प्रोविजन रखा है। और हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंटेशन है, रिवीजन सर्जरी के अलग इंस्ट्रूमेंटेशन आते हैं, वो हमारे मेडिकल सुपरिंटेंडेंट्स ने हमको प्रोवाइड किए हैं, दैट इज़ अबाउट मोर देन 50 लैक्स। तो वो इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से सर्जरी करने से सर्जरी काफ़ी इजी हो जाती है। तो ये एक दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, रिवीजन सर्जरी एक एज के बाद में आपको करवानी ही पड़ती है, और रिवीजन सर्जरी इज़ नॉट एन ईजी सर्जरी। जी जी, और इसकी फैसिलिटी भी SSG फैसिलिटी, और हमने हाईएस्ट नंबर किया है साउथ गुजरात और सेंट्रल गुजरात अकॉर्डिंग टू माय डेटा। थैंक यू सो मच डॉक्टर हेमंत, थैंक यू सो मच। थैंक यू मेरे दर्शन। बीमारियों से दूर रहना है तो अपने शरीर का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, सही समय पर बीमारी का इलाज वो भी सही डॉक्टर से बहुत ही ज़रूरी है। झोला छाप के चक्कर में हम पढ़कर अक्सर अपनी सेहत और स्वास्थ्य दोनों गंवा देते हैं। तो आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।